नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकर, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों मैं आज आपको कुछ मेरा जो समर प्लांट्स का अपडेट है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो पहला जो है आप देखिए, ये सनफ्लावर है। ये सनफ्लावर का जो पौधा है ये ड्रॉप वैरायटी का है। तो बाकी मैंने 5 जो है सनफ्लावर का पौधा लेकर आया था, इतना छोटा छोटा, तो ये अभी ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छा से ग्रो हो रहा है। ये इजी मेंटेनेंस है, ज़्यादा इसका इतना मतलब केयर नहीं करना पड़ता है। तो इसको जो है पहले बार जब प्लांटेशन करते हैं तो फिर उसको थोड़ा बहुत जो फर्टाइल सॉयल इसके लिए चाहिए, और उसके बाद जो है आप इसको 15 दिन में एक बार अगर थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्ट आप दे देंगे तो इसके लिए बहुत है। तो दोस्तों इसका जो ये जो सनफ्लावर है ये समर सीज़न का एक बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा ये जो है भिनका। ये भिनका देखिए, इतना छोटा छोटा जो है मैं लेकर आया था और इतना जो है ये ग्रोथ हुआ है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है। इसका फ्लावरिंग अभी स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे पास जो है करीबन 10-12 ये भिनका का देखिए लाइन में पूरा जो है भिनका लगा हुआ है। तो ये भी इजी मेंटेनेंस प्लांट है दोस्तों, इसको भी इतना ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है। इसका जो है थोड़ा बहुत फर्टाइल सॉइल होने से इसका जो ग्रोथ हो जाता है, और ये बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करता है, बहुत दिनों तक ये फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों ये भिनका बहुत जो है इसमें बहुत कलर्स का फ्लावर होता है, रेड, वाइट, पिंक, देन और भी कलर्स जो है इसमें आता है। तो ये जो है ये हाइब्रिड वाला है, तो इसका जो है छोटे में ये फ्लावरिंग करते हैं। तो अभी ये टाइम हो गया जो कि मैंने थोड़ा सा इसको बुशी बनाने के लिए कुछ जो है इसमें इसका जो पिंचिंग कर दिया था, तो उस पिंचिंग में मतलब थोड़ा सा आप बर्ड्स भी आया था, तो मैंने वो बर्ड्स को रखा नहीं है, उसको पिंचिंग कर दिया ताकि ये बुशी बने। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बुशी बन रहा है इसलिए कि इसको पिंचिंग करने से ये थोड़ा सा बुशी बन जाता है और अच्छा फ्लावरिंग भी करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है मैं दिखाऊंगा, ये देखिए गैलेडिया। ये भी छोटा, बहुत छोटा पौधा जो कि बेबी पौधा जो है लेके आया था। तो ये सारे जो है बेबी पौधा है, छोटे से छोटा पौधा लेके मतलब इसको ग्रो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जो पौधा फ्लावर का है वो बिल्कुल शुरू से ही ग्रो करता हूँ, तो छोटे से लेके जब तक कोई फ्लावरिंग नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए ये गैलेडिया है और ये रूट बेकिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये रूट बेकिया। अच्छा, दूसरा इसका भी जो है मैं अभी थोड़ा मतलब कहना, जो इनिशियल इसमें जो सॉइल मिक्सचर था तो उसमें तो थोड़ा बहुत जो है बर्मी कंपोस्ट और बोन मिल, थोड़ा सा नीम खली और थोड़ा फंगीसाइड्स मिला के मैंने जो सॉइल तैयार किया था, तो उसी में ये ग्रो हो रहा है। बीच में मैंने एक बार जो सरसों की खली उसको भिगो के पानी इसमें एक बार डाला था। और दोस्तों ये देखिए, ये वाला जो है इसका भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह हो रहा है। जैसे ये गर्मी का पिटूनिया है, तो ये मेरे पास करीबन 5 पौधा है। ये देखिए ये 5 पौधा जो है मैं हैंगिंग बास्केट में इसको ट्रांसफ़र किया, तो इसका ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरह हो रहा है। मैं थोड़ा सा उसको निकाल के अभी जो है ग्राउंड में रखा है ताकि इसको फुल सन मिले, उसके बाद जो है इसको फिर मैं हैंगिंग कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए, ये जो मेरा अपडेट मैंने देखा, साथ में और भी है जो कि उधर मतलब मंदिर के छत पे रखा हुआ है, जो कि कोचिया का प्लांट भी ग्रो हो रहा है, वो भी छोटा, इतना छोटा छोटा जो है मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो कोचिया का भी ग्रो हो रहा है, ये भी छोटा छोटा जो है इसमें पौधा लेके मैंने ग्रो किया, तो ये भी अच्छी तरह ग्रो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरे पास जो है अभी समर फ्लावर का प्लांट्स है, ये ग्रो हो रहा है। तो चलिए, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।